नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ्टी लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। विरार के विवाह कॉलेज में स्थित शुरू कार्यक्रम जागतिक मराठी सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज अपने कार्यकर्ता मेलाओं में भी पहुंचे। विरार कार्यक्रम स्थल से निकलने के बाद, विवाह कॉलेज से निकलने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने कार्यकर्ता की मीटिंग में क्लब वन बैंक्वेट हॉल में पहुंचे, जहां पर सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता उत्साह से मौजूद थे। मुख्यमंत्री की एंट्री पर आतिशबाजी से स्वागत किया गया। उसके बाद में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वहां पर अपना चंद मिनटों का स्पीच दिया, भाषण दिया, और उस भाषण में मुख्यमंत्री ने हाल के माहौल पर काफी कुछ कहा। मुख्यमंत्री का भाषण मराठी में, मुख्यमंत्री ने भाषण शुरू किया, बाद में हिंदी में भी उन्होंने कुछ बोला और वो मराठी में कंटिन्यू हुआ। तो क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, वो सुनिए इस पूरे भाषण में। मुख्यमंत्री का भाषण इसमें हमने अनकट लगाया है, पूरा का पूरा स्पीच लिया है। मुख्यमंत्री के जाने के बाद इस कार्यक्रम में से निकलने के दौरान पालघर जिला सांसद राजेंद्र गावित ने मीडिया को क्या कुछ कहा, वो भी वीडियो के अगले पार्ट में जरूर देखिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।
गेले पाहिजे. शिवदृष्टीने गेले आपण शिवगुरु Yeah.
मुख्यमंत्री महोदय आए, इतना कार्यकर्ताओं का उत्साह इतना ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए मुख्यमंत्री महोदय, ये पिछले 1.5 साल से जिस तरह से राज्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में साथ साथ में एक पर्सनल लाभ के लिए, जैसे कि मतलब करीबन 2.5 करोड़ लोगों को अभी महाराष्ट्र में शासन अपने दारी इस संकल्पना के तौर पर एक पर्सनल लेवल पे उनको जो लाभ मिला है, और ये सब सारे चीज़ें देखते हुए जो नॉन पॉलिटिकल से कोई जिस पर्सन का कोई ज़्यादा संबंध नहीं है, ऐसे लोग जो है वो भी शिवसेना में प्रवेश कर रहे हैं, और आने वाले समय में ये वसई विरार महानगर पालिका के क्षेत्र में शिवसेना बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगी, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, आने वाले ये लोकल बॉडी का लोकल बॉडी हो, उसी में एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और मुझे आशा है कि आज मुख्यमंत्री आने से हमारे कार्यकर्ता में काफ़ी उत्साह और हमारे पार्टी में काफ़ी लोग आने की संभावना। सर, कल ये सूर्य धरण का उद्घाटन हुआ, उसके बाद में कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि वसई विरारकर को पानी मिलेगा, तो क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली देखो, उसके पहले ही मुख्यमंत्री ने कई मतलब हमारे यहाँ के कई संगठनों ने यहाँ पे आंदोलन किया था, कई लोगों ने घोषणा भी किया था, लेकिन उसके बाद 185 MLDPA से करीबन 80 MLDPA पानी जो था वो पानी ऑलरेडी मतलब शुरू हुआ, लेकिन कल से अधिकृत के तौर पर प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया, और राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने MMRDA के तौर पर यहाँ का जो टैंकर लाबी का जो परचेस है वो पानी देके उन्होंने टैंकर लाबी यहाँ पे खत्म किया, क्योंकि एक एक सोसाइटी को हर महीने में 1.5 या 2 लाख तक उनको पानी का बिल देना पड़ता, टैंकर का बिल देना पड़ता था, अभी वो ख़त्म हो जाएंगे। और हमने आयुक्त से मतलब मांग की है कि हर आदमी को नल कनेक्शन मतलब ऑनलाइन के तौर पर उसका मिलना चाहिए, और उसी तौर पर उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर मतलब महानगर पालिका कर रहे हैं। सर, अपने लाइव को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे गूगल पे बार कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से मजबूत करें। धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।